सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट डिमांडेबल स्टेट लेके आया हूँ, जो कि है राजस्थान। कुछ दिनों से यार मेरे भाई बोल रहे थे कि आप राजस्थान की वीडियोस नहीं बना रहे। सो राजस्थान की जो भी स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस रहती है 85%, जैसे कि काउंसलिंग डेट्स हो गई, फीस कितनी लगती है, टोटल सीट्स कितनी है, कट ऑफ मार्क्स क्या रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसके साथ साथ टॉप के मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत से अदर स्टेट्स भी मैं कवर कर चुका हूं, उसके लिए चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और चेक कीजिए कि आपके स्टेट की वीडियो अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर आपके स्टेट की वीडियो अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की जो काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइज, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना होगा। कर दिया करो यार लाइक सब्सक्राइब, तुम्हारे भाई का चैनल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट करते हैं डेट्स की, कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 85% स्टेट कोटा के। तो यार सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है, जिसके रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी मॉपअप राउंड तक की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। ठीक है, सबके साथ ही होते हैं ऑल इंडिया कोटा की, एक दो डेट्स की थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, सो लगभग साथ ही स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल एमबीबीएस सीट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है। अब इसमें मैं दो चीज़ें आपकी कवर कर लूँगा, सबसे पहले तो टोटल एमबीबीएस सीट्स कवर कर लूँगा, उसके साथ साथ आपके जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी कवर कर लूँगा, राजस्थान में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं, डेंटल और मेडिकल दोनों ही हैं और टोटल सीट्स है। सबसे पहला है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जो कि राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, जयपुर में है, 250 इसमें टोटल एमबीबीएस की सीट्स है। उसके बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, जो कि बीकानेर में है, 250 इसमें है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में है, इसमें भी 150 है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में है 150। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में है 150। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है 250। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर में है, इसमें 100 सीट्स है। जवाहर मेडिकल कॉलेज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, जो कि झालावाड़ में है 150। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर में है, जो कि जिसमें की 40 सीट्स है। तो ये तो रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट। आगे है आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जयपुर, जिसमें टोटल 100 सीट्स है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, इसमें भी 150 सीट्स हैं। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, इसमें 150। अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेदवास, इसमें 150 है। दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर 100। एकलव्य डेंटल कॉलेज कोटपुतली, इसमें भी 100। गीतांजलि डेंटल कॉलेज उदयपुर में 100। जयपुर डेंटल कॉलेज, इसमें भी 100। एंड जोधपुर डेंटल कॉलेज में भी 100 सीट्स है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि महाराजा गंगा सिंह गंगानगर में है, इसमें 100 सीट्स है। महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज जयपुर 60 सीट्स है। एनआईएमएस डेंटल कॉलेज जयपुर में है, इसमें 100 सीट्स है। राजस्थान डेंटल कॉलेज जयपुर में है, इसमें भी 100 सीट्स है। आरआर डेंटल कॉलेज उदयपुर में 100 सीट्स है। सुरेंद्रा डेंटल कॉलेज गंगानगर में है, 100 सीट्स है। और व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है, इसमें भी 100 सीट्स है। तो ये जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे और इसके साथ साथ उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं उसकी जानकारी थी। अब आगे एक बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन फीस, इसके पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इसके लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके 50% मार्क्स हैं और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%, इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने मार्क्स को देखकर। मार्क्स को कैसे देखना है, तो वीडियो के लास्ट में आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं कि कितनी अब की बार की अप्रॉक्स कट ऑफ मार्क्स रह सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा नहीं है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है और बाकी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। ये नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी हालत में ये आपको रिफंड नहीं होती है। ठीक है, बाकी की जो हॉस्टल फीस है वो सीट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड कर दी जाती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन,
तो राजस्थान स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब से शुरू, अब बता रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही डेट्स वगैरह अनाउंस होगी तो मैं बता दूंगा। वैसे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी जिसमें सारे स्टेट्स की जो वेबसाइट्स है वो मैंने दे रखी थी। उसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सभी स्टेट्स की जितनी भी काउंसलिंग की जो वेबसाइट्स है वो मैंने दे रखी है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। उसके अलावा उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पब्लिश होता है राजस्थान MBBS मेरिट लिस्ट, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपकी राजस्थान की MBBS की मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है जिसमें आपका नाम हो तो ही आप उसके लिए आगे की चॉइस फिलिंग या फिर लॉकिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में आगे बता दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसके बाद आपको करनी होती है चॉइस फिल एंड चॉइस लॉक। चॉइस फिल कैसे करते हैं थोड़ा बता देता हूँ मैं। इस प्रकार से आपको एक कॉलम मिलता है और इस प्रकार से आपको दूसरा कॉलम मिलता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके मार्क्स और आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपको कॉलेजेस अलॉट किए गए हैं उनकी एक लिस्ट मिलती है आपको इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन मिलता है ऐड का, यहाँ पे आपको बटन मिलता है ऐड का। ये किस लिए है कि कोई सा भी अगर आपको कॉलेज पसंद है तो ऐड के बटन पे क्लिक कीजिए, इस लिस्ट में वो कॉलेज ऐड हो जाएगा। इसको भी क्लिक कीजिए, इसको भी क्लिक कीजिए, इस प्रकार से कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे रिमूव का, यहाँ पे अप एंड यहाँ पे डाउन। यानी कि किसी भी कॉलेज को आपको यहाँ से रिमूव करना है अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट से तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज ऊपर होना चाहिए तो अप के बटन पे क्लिक कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। आपको लगता है कि ये कॉलेज नीचे होना चाहिए तो डाउन के बटन पे क्लिक कीजिए, ये कॉलेज डाउन चला जाएगा। यानी कि कॉलेज जो चॉइस फिलिंग है उस प्रकार उसमें आप किसी भी प्रकार का एडिट मॉडिफिकेशन कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रोसेस रहती है चॉइस लॉकिंग की, कि जितने भी चॉइसेस आपने फिल की है उन चॉइसेस को लॉक करने की बारी आती है, फिर आप उन चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। एक बार अगर आपने चॉइसेस को लॉक कर दी उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी एडिट या फिर मॉडिफिकेशन आप उसमें नहीं कर सकते। और ये जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपने की है ये फर्स्ट राउंड तक ही रहती है। अगर आप सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फिर से चॉइस फिल जो है वो करनी पड़ती है। फिफ्थ स्टेप, आपके जो भी चॉइसेस आपने फिल की है उन कॉलेजेस में आपके मेंस मार्क्स एंड रैंक के अकॉर्डिंग आपकी सीट देखी जाती है। और अगर आपको उन कॉलेजेस में MBBS की सीट मिल जाती है तो आपको वो सीट जो है वो अलॉट करा दी जाती है। इसी स्टेप को कहते हैं सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के बाद जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज मिलने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड इशू किया जाता है राजस्थान की काउंसलिंग कमेटी द्वारा। उस एडमिट कार्ड पे उस कॉलेजेस की डिटेल टाइमिंग वगैरह दी होती है। टाइमिंग कौन सी, कि आपको उस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना होता है जो उसमें डेट होती है उस डेट के अंडर, ठीक है, उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पर आपकी MBBS की जो सीट है उसको कन्फर्म करना होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस रहती है वो रहती है आपकी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग की प्रोसेस जिसे बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले नीट 2020 का आपका स्कोर कार्ड रिजल्ट्स का, उसके बाद नीट 2020 का आपका एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर जो कि मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान की काउंसलिंग कमेटी है उसके द्वारा एक एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है अलॉटमेंट के बाद, वही है आपका। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और एनी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट शोइंग DOB, यानी कि 10th की मार्कशीट और अगर आपके पास और कुछ है जिससे आप डेट ऑफ बर्थ शो कर सकते हैं यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ फोटो आईडी, आपको आपकी एक फ़ोटो आईडी लगती है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पासपोर्ट, कुछ भी आप लगा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कास्ट किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एक कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हैं उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। उसके साथ साथ चार आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत होते हैं लेकिन मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है वो यही हैं।
उसके साथ साथ जो आपके अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट आपके रहते हैं कट ऑफ मार्क्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ मार्क्स अब की बार के कितने रहने वाले हैं, यानी कि किस कट ऑफ मार्क्स पे आपको एडमिशन लिख सकता है। सो गाइज अब की बार के नहीं, मैं आपको 2019 के बताने वाला हूँ, और 2019 के कट ऑफ मार्क्स है उससे आप ज़्यादा मान के चलिए, क्योंकि अब की बार पेपर भी इजी आया था और कट ऑफ मार्क्स आप देख चुके हैं, ठीक है। 2019 के ज़्यादा मान के चलिए। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के, तो ऑल इंडिया कोटा के पिछली बार जनरल कैटेगरीज के लिए कट ऑफ रही थी 600 मार्क्स, एससी के लिए 498 और एसटी के लिए 486, ये रही थी ऑल इंडिया कैटेगरी की, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, स्टेट कोटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें देख लेते हैं, तो जनरल का ये मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है, उसके बाद स्टेट कोटा पे चलते हैं अपने, ठीक है। जनरल का स्टेट कोटा, ये रहा जनरल का स्टेट कोटा, तो जनरल के स्टेट कोटे में आपके मार्क्स नहीं दिए, 580 मार्क्स दिए गए हैं, ये स्कोर कट ऑफ, ठीक है, यही है। जनरल के स्टेट कोटा में 580 मार्क्स दिए गए हैं, तो 580 मार्क्स आपकी जनरल के लिए रही थी, ईडब्ल्यूएस के लिए इससे ज़्यादा 590 मार्क्स, उसके बाद आपकी रही थी एससी कैटेगरीज के लिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा एससी, उसके लिए 461 और एसटी के लिए 442, इतने मार्क्स रही थी। यानी यार राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपकी कट ऑफ जो है वो हाई ही रहती है, लो कट ऑफ आप राजस्थान में नहीं देख पाते, चाहे किस कोई सा भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, चाहे फिर नीट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की थोड़ी कम रही थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आप देख सकते हैं जनरल के 138, ओबीसी के मैनेजमेंट कोटा की 107, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतनी कट ऑफ यहाँ पे रही थी। सो गाइज ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस वीडियो थी, इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके डाउट्स वगैरह है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे स्टडी स्किल सक्सेस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल को देख सकते हैं। उसमें ज्वाइन करने के साथ साथ आपको अगर 21 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो उसके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पे मेरा पर्सनल अकाउंट मिलेगा, तो पर्सनल अकाउंट पे मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं वो पर्सनली क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट किस स्टेट पर वीडियो बनाई जाए उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी यार लाइक कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार, एंड हैव अ नाइस डे।